तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीओए के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बस ट्रांसफर। और बस ट्रांसफर बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और स्टेटमेंट याद ना हो चलेगा, लेकिन आपका इसके अंदर जो फिगर है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए फिगर को, क्योंकि जब तक आप फिगर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अब अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए कहीं ना कहीं वो प्लेलिस्ट फायदेमंद ही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इन अ डिजिटल सिस्टम विथ मेनी रजिस्टर इट इज इम्प्रैक्टिकल टू हैव डेटा एंड कंट्रोल लाइंस टू डायरेक्टली अलाउ ईच रजिस्टर टू बी लोडेड विद द कंटेंट्स ऑफ एवरी पॉसिबल अदर रजिस्टर। यानी डिजिटल सिस्टम के अंदर जिसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं वो इम्प्रैक्टिकल होता है, जिनके पास डेटा और कंट्रोल लाइंस होते हैं जिनको डायरेक्टली एक्सेस करवाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है अनदर रजिस्टर के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि सो देयर इज वन सेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ सर्किट फॉर द डेटा ट्रांसफर द बस, यानी वही आपका बस ट्रांसफर होता है। एंड इट हैव कंट्रोल सर्किट टू सेलेक्ट विच रजिस्टर इज द सोर्स एंड विच इज द डेस्टिनेशन। यानी ये जो होता है वो सेलेक्ट करने में मदद करता है कि कौन सा रजिस्टर हमारा सोर्स है और कौन सा रजिस्टर हमें डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड करना है। एंड हेयर वे यूज द बस बिकॉज द बस इज अ पाथ यानी ग्रुप ऑफ वायर्स। यानी हम चूज करते हैं बस को क्यों, क्योंकि जो बस होता है वो एज ए पाथ यानी ग्रुप ऑफ वायर्स की तरह वर्क करता है। वन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम एनी ऑफ द सेवर्ड सोर्स टू द एनी ऑफ द सर्वर्ड डेस्टिनेशन। यानी कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचानी होती है इन्फॉर्मेशन को, तो वो कहीं ना कहीं बाय द हेल्प ऑफ वायर्स ही वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है R1, R2 और R3 का, और ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं किससे, बस से आपकी। तो आप देख सकते हैं बस से ये कनेक्ट है और ये क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम रजिस्टर टू बस है। यानी रजिस्टर से ये चीज़ें कहाँ आ रही हैं, बस के तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे बस को देख सकते हैं R से एंड R2 को हमने इंटरचेंज किया है बस इज इम्प्लिसिट से, ओके। और ये बेसिकली फिगर है फ्रेंड, जिस फिगर का रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बेहद जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पे चार ब्लॉक आपको मिलेगा, 4x1, 4x1, 4x1 और M0X3, M0X2, M0X1 एंड M0X0। और यहाँ से 3210, 3210, 3210, 3210 दिया गया है। और कहीं ना कहीं दो बसेस हैं उनसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे A0, A1, A2, A3 दिया गया है, जिसमें इस ब्लॉक के लिए A0, इस ब्लॉक के लिए A1, इस ब्लॉक के लिए A2, इस ब्लॉक के लिए A3 दिया गया है। और ये चीज़ें इस ब्लॉक से आके यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं, ये चीज़ें इस ब्लॉक से आके यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। सिमिलरली ये चीज़ें यहाँ से, ये चीज़ें यहाँ से, आप देख सकते हैं इनको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे नीचे रजिस्टर है आपका, जिसमें रजिस्टर डी है, सी है, बी है, ए है, और उसमें भी इंडेक्स दिया गया है 3210। और ये चीज़ें D2, D1, D0, C2, C1, C0, B2, B1, B0, A2, A1, A0 और इस तरीके से चीज़ें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो इस फिगर को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो फिगर पर ही डिपेंड करती हैं। और ये देख सकते हैं S1 और S0 दिया हुआ है रजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो ये आपका उस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जिनका देखना आपके लिए ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर आपका आया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।